दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्ट लेंस के पावर कैलकुलेशन के बारे में, या हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस और चश्मे के पावर में जो भिन्नता है उसके बारे में हम आपको एक चार्ट की मदद से बताने वाले हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होता है कि अगर आप 4 नंबर का चश्मा लगाते हैं या आपके चश्मे का नंबर 4 नंबर है तो आपका कॉन्टेक्ट लेंस कितने नंबर का यूज करना है इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, और वो सीधा सीधा 4 नंबर का चश्मे के साथ उसको हटाकर 4 नंबर का कॉन्टेक्ट लेंस ही यूज करते हैं। इससे पावर ज्यादा हो जाता है और आपको हेडेक की समस्या हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने कॉन्टेक्ट लेंस का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके बारे में मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि चश्मे से संबंधित सभी टाइप की जानकारी आप। हेलो फ्रेंड, मैं हूं ओम प्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कॉन्टेक्ट लेंस पावर कैलकुलेशन के बारे में बताया है, तो हमारे पास एक चार्ट है जिस चार्ट के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। तो हमारे पास ये चार्ट है, तो आज मैं इस चार्ट की मदद से आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने कॉन्टेक्ट लेंस का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पावर रेंजेस हैं, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिया है पूरा पावर का रेंज दिया गया है, ये 0.0 मतलब प्लेन है, ये 0.25 0.5 ये कंटिन्यू है ऐसे ही, और इधर हमको बताया गया है कि आपका स्फेरिकल नंबर क्या होगा और सिलेंड्रिकल नंबर क्या होगा। जैसे कि ऊपर में सबसे ऊपर में दिया है 0.75 सिलेंड्रिकल, यहाँ पे दिया है -1 सिलेंड्रिकल। तो हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको -0.25 स्फेरिकल और 0.75 सिलेंड्रिकल का नंबर का चश्मा लगता है तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस कौन सा नंबर का लगाना है। तो इसके लिए हम सीधा सीधा इस चार्ट की मदद से देखेंगे इसको, सीधा ऐसा लेके कि हमको सेम टू सेम नंबर मिलेगा 0.25 और सिलेंडर 0.75 और एक्सिस जो भी है आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पावर आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है, जैसे कि यहाँ पे -3 -3.5 तक तो कंटिन्यू वैसे ही है, लेकिन जैसे ही आप -4 नंबर में आपका अगर चश्मे का नंबर -4 है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका स्फेरिकल नंबर जो है वो 3.75 हो जाएगा और सिलेंडर जैसा है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका नंबर -4 है, अगर आप चश्मे में -4 नंबर का चश्मा लगाते हैं तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस -3.75 का यूज करना है। वैसे ही 4 के बाद जितने भी नंबर बढ़ते हैं 4.25 या 4.50 तो आपको उसमें से 0.25 कम करते जाना है। और वैसे ही अगर आपका सिलेंड्रिकल हाई होते जाता है, जैसे कि आपका सिलेंड्रिकल -1.5 है, यानी कि मैं सिंपली तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपका पावर जो है वो -4 और सिलेंड्रिकल -1.5 यूज करते हैं तो आपको इस चार्ट में इस टाइप का आपको देख लेना है। यहाँ पे हम पहुंचेंगे, ये देखिए, तो आपको ये पावर लगेगा -3.75, उसमें सिलेंड्रिकल एड होगा -1.25 और एक्सिस जो भी हो वो सेम रहेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके पावर जो है वो चश्मे के पावर और कॉन्टेक्ट लेंस के पावर में थोड़ी सी चेंजेस रहती है, कॉन्टेक्ट लेंस की पावर जो है वो थोड़ी कम रहती है। तो दोस्तों हमने जाना कि किस तरीके से आपके चश्मे का नंबर और कॉन्टेक्ट लेंस का नंबर में अंतर होती है, कॉन्टेक्ट लेंस का नंबर कम होता है और वो क्यों होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक स्पेक्स है, एक चश्मा मैंने लगाया हुआ है, और आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो एरिया है मेरी आंखों से और लेंस की दूरी, आप समझ गए होंगे, ये जो लेंस है इसकी दूरी और आपकी आंखों की जो दूरी है उस दूरी को कॉन्टेक्ट लेंस के द्वारा कम कर दिया जाता है, इसलिए उसमें से 0.25 स्फेरिकल नंबर जो है वो कम किया जाता है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो ऑनलाइन कॉन्टेक्ट लेंस ऑर्डर करते हैं, और वो ऑर्डर कैसे करते हैं, अपने डॉक्टर के द्वारा दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन कार्ड को देखकर। तो अब की बार मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कॉन्टेक्ट लेंस की चार्ट समझ सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपको किस नंबर का कॉन्टेक्ट लेंस लगाना सही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरों का काम आता रहे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नमस्कार दोस्तों।